जिला विधिक प्राधिकार भोजपुर के तत्वाधान में सदर अस्पताल में स्पेशल हेल्थ डे के अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों को हेल्थ डे के बारे में जानकारी दी गई। वह इस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जैसा कि हम विक्टिम्स जैसे सेक्सुअल असॉल्ट्स विक्टिम्स उसको बोलेंगे, चाहे अदर विक्टिम्स हो गया जैसे एसिड बर्न के केसेस में, तो कई ऐसे प्रावधान थे जो हम लोगों के नज़र में नहीं थे। तो हम लोगों के बीच खुशी की बात है कि विगत 2-3 महीने के भीतर ही सर के ज्वाइन करने के बाद कई ऐसी चीज़ें निकली हैं बाहर, और सर के द्वारा वैसी पीड़िताओं को हमारे ख्याल से 54-55 तो मेरे एक दिन बैठने पर ही उस दिन डिस्पोजल किया गया था, और उनको जो भी मिलना चाहिए था सरकार से अनुदान, वो अनुदान सर के द्वारा दिलवाया गया। मौजूदगी में जिला प्रशासन के, पुलिस ऑफिसर्स के, एसपी साहब भी थे, और इत्तेफाक से मैं भी उस दिन था। तो खुशी की बात है कि वैसे पीड़िताएँ, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है खास करके बहुत वर्ल्ड भी मनाती है, वर्ल्ड ट्यूबर क्लोसिस के मनाया जाता है, टीबी के बारे में बताया जाता है कि क्यों टीबी होता है, इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है, उसके बारे में मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था की गई है, यहाँ भी मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था है, उस मैसेज को देना। खास करके देखते हैं कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है, जिसको शुगर कहते हैं, तो शुगर लोग आगे बढ़ते हैं जिसको कहते हैं शोषण तेल। आज इस एक शुगर को हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे मना रहे हैं, तो केवल शरीर की बात हम लोग नहीं करते, एक वातावरण क्रिएट करें कि खास करते हुए जैसे घर वगैरह कैसे स्वस्थ रहे, कैसे हेल्दी रहे, और घर हेल्दी रहेगा जैसे कहते हैं घर आनंद तो बाहर आनंद, सुना चाहवा था आपने नहीं सुना है, आप लोग सुने हैं पीछे में किसी भी दुख रहेगी, सुबह अच्छा मेरा जतरा रहा है तो हमेशा अच्छा रहेंगे, है ना। तो इस तरह से देखते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन पर, आज 1 अक्टूबर के दिन पर, ये सब हम लोग ये देखें कि ये जो इंटरनेशनल हेल्थ डे के रूप में मना रहे हैं, और डॉक्टर साहब 1 तारीख से 7 तारीख तक जो विशेष सुविधा दे रहे हैं, तो उसमें एक मैसेज दें लोगों को कि कैसे हेल्थ फॉर ऑल कैसे होगा, सबों के लिए कैसे, लोग कैसे इकट्ठा है, और उसको मिर्गी की बीमारी है या मेंटली फिट नहीं है तो भी बीमार पर्सन है, और दोनों ठीक है, फिजिकल मेंटल दोनों ठीक है, और सोशली रिकॉग्नाइज नहीं लिखा हुआ है, इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो सर के द्वारा जो बताया गया कि सोशली रिकॉग्नाइज, सोशली वे में भी हर पेशेंट बीमार ना हो, वो भी एक जरूरी चीज़ है। बहरहाल हम लोग के भी सभी लोग आए, खासकर छात्राएँ आई। आज सर जो हेल्थ डे का मतलब मनाया जा रहा है, उस पर क्या उद्देश्य है इसका कारण? अभी तो मैंने हेल्थ डे के विषय पर बहुत कुछ ही बताया, और हेल्थ डे मनाने का मूलभूत उद्देश्य है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस सोसाइटी का कि हर व्यक्ति, हर सीनियर सिटीजन शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टिकोण से स्वस्थ रहे, और इस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जो दिशा निर्देश है कि आप कैसे स्वस्थ रहें, इसको वो फॉलो करें और जागरूक हो, रोग नहीं आए इसके लिए अपने शरीर को व्यस्त रखें, अधिक से अधिक फिजिकल वर्क करें और व्यस्त रहें, तो मैं समझता हूँ कि लोग निरोग रहेंगे। और आज सीनियर सिटीजन को बहुत कुछ बताने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ है, तो सीनियर सिटीजन के लिए हम लोग विशेष व्यवस्था यहाँ किए हैं कि यहाँ भोजपुर ज़िले में 3 सब डिवीज़न है, पीरो सब डिवीज़न है, जगदीशपुर है और आरा है, तो वहाँ एक मेंटेनेंस ट्यूनल है,
वहाँ भी लीगल सर्विस सेंटर के माध्यम से सीनियर सिटीजन को हम फ्री लीगल सर्विसेज दे रहे हैं। वहाँ हमारे पैनल लॉयर और पीएल भी काम कर रहे हैं ताकि सीनियर सिटीजन कोई भी विवाद से दूर रहें, और यदि विवाद है तो उसका समय के अनुकूल और नियमित समय में उसका समाधान हो। यह खास करके डीएलएसए का मुख्य उद्देश्य है और इसको लेकर के आज हम लोग यहाँ वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में 1 अक्टूबर को मना रहे हैं और समाज को ये मैसेज दे रहे हैं। आज जो 7 दिन जो एक स्पेशल सुविधा दी जाएगी वो क्या है सर? हाँ, सदर अस्पताल में आज वर्ल्ड हेल्थ डे के अवसर पर सीनियर सिटीजन्स के लिए दिनांक 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक विशेष ओपीडी सेवा है, जिसमें एनसीटी क्लिनिक में सारे मरीजों का इलाज किया जा रहा है। विशेष तौर पर कार्डियक पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स जो ओल्ड एज के हैं उनकी देखरेख के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, और आज विधिक जागरूकता शिविर के तहत भी न्यायिक सेवा के पदाधिकारी डीएलएसए के सेक्रेटरी सर के द्वारा अस्पताल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो इसमें काफ़ी लोगों को जागरूकता हम लोगों के द्वारा दी गई है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ वो जल्दी डेवलप नहीं करें, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के बारे में ज़्यादा बताया गया है, इन सब चीज़ों पर विशेष जानकारी आपका करें, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के बारे में ज़्यादा